Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 9th, maths chapter factorization, exercise 5b, question 19, part 2 के यहाँ पे हम solve करेंगे, ठीक है? जो आपका part 2 यहाँ पे हम note down कर लेते हैं one time, 7 under root 2 x square minus 10 into x minus 4 root 2, ठीक है बच्चों? तो by splitting middle term हम इसे solve करने वाले हैं, तो first term and last term के coefficient का आपस में हम क्या करेंगे? Multiply, ठीक है? तो 7 रूट टू मल्टीप्लाई फोर रूट टू, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देखिए, 7 4 20 8 एंड 2 times रूट में 2 है तो 1 time बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? 2 time रूट में तो 1 time बाहर, 28 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 56, ठीक है बच्चों? अभी हमें 56 को ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे आपका 56 आना चाहिए एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे 10, तो 14 4 56 होता है, तो 14 माइनस 4 आप कर सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो आपके पास ये 10 मिडिल टर्म आ जाएगा, ठीक है? जिसे हम मिडिल टर्म के रिप्लेस पे पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 14 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 रूट 2, अभी देखिए 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में x को एंटर करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4x, माइनस में 4 रूट 2 रहेगा आपके पास, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे 7 है, रूट 2 भी है, एक्स स्क्वायर है, तो इस 14 को हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, 14 को ब्रेक करेंगे 7 इंटू 2 में, ठीक है? 7 इंटू 2 एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 4, 4 इंटू 2 कर सकते हैं हम, राइट? इसको एंड इंटू एक्स माइनस 4 रूट 2, नो सॉरी, यहाँ पे तो 4 आपका ऑलरेडी है, आप इसे मत ब्रेक करिए, ये नहीं होगा, 4x इंटू 4 रूट 2 होगा, ठीक है बच्चों? अभी देखिए यहाँ पे 7 रूट 2 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर है, माइनस 7 तो आपके पास है, इस 2 को भी हम क्या करेंगे? रूट 2 इंटू रूट 2 में ब्रेक डाउन कर देंगे, दो बार रूट में भेजने के लिए 2 को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है? प्लस में आपके पास देखिए यहाँ पे है 4x, माइनस में 4 रूट 2 है बच्चों। अब देखिए 7 रूट 2 इंटू एक्स, 7 रूट 2 इंटू एक्स क्या है? बहुत से कॉमन है, 7 रूट 2 एक्स, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? x माइनस 7 रूट 2 हमने कॉमन ले लिया है x भी, तो यहाँ से ओनली रूट 2 आपके पास बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 4 दोनों से ही कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस रूट 2, ठीक है बच्चों? x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2 दोनों में ही क्या है? कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में 7 रूट 2 एक्स प्लस में 4 आपका बचेगा, ठीक है बच्चों? यही आपका आंसर है। आई होप आपको एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।